Hey y'all, come look at this. So guys, hello, welcome back to my channel, One Side Rich Boy. क्या बोलते पब्लिक, आज हम निकालने वाले हैं यहाँ पे अपने फेरेट व्हील में क्या आया हुआ है। फेरेट व्हील कहाँ पर हाँ ये रही भाई, आज हम देख रहे हैं यहाँ पे फेरेट व्हील में आया हुआ है एक एनिमेशन बाय स्पेसशिप डोमिनेटर में आया हुआ है यहाँ पे, और दूसरा यहाँ पे अल्ट्रा स्पेसशिप आ चुकी भाई, कतई जहर, ये एलियन टेक्नोलॉजी लग रही भाई। अच्छा आप देख सकते हो यहाँ पे तो कतई जहर लग रही है, तो इसे हम निकालने वाले हैं। और साथ साथ में हम निकालने वाले हैं क्या रॉयल से हम निकालने वाले हैं भाई, रेव डस्ट स्प्लैशर M24। तो गाइस चल देखते हैं क्या गेम होता है यहाँ पे, चलो ट्राई करते हैं हम यहाँ पे अपना पहला गेम प्ले, या पहला गेम प्ले नहीं भाई, पहले हम करते हैं यहाँ पे अपना फ्रेड व्हील ट्राई करते हैं। क्या बोला तूने? हमारे पास ऑलमोस्ट डायमंड है 3200, इसमें काम हो जाना चाहिए, पर देखते हैं क्या होता है कि नहीं होता, कि हमें फिर से करना पड़ेगा भाई। इसका एनिमेशन आप देख रहे हो, जो ये एंट्री एनिमेशन है कतई जहर है, क्या होता है कितने अपने कितने राउंड में निकलेगा ये। सबसे पहले हमें यहाँ से दो निकालने चीजें, और क्या निकालना है हमें इसमें से, हमें निकालना है ये क्या है, ये क्या है, ये क्या भैया, ये तो कॉन्कर रेड टोकन, ये क्या है भाई, मतलब ये टोकन है, मतलब ये डेफिनेटली भैया M1187 का भाई गन आने वाला है, ईवो गन आने वाली है। चलो तो उसकी तैयारी हम पहले से कर देते हैं यहाँ पे, और क्या निकाले हम इसको निकाल देते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे हम, ये तो हमारा ऑलरेडी निकल चुका है, तो हम वो निकाल देते हैं। चलो चलते हैं फेरेट व्हील, दो चीज़ हमने निकाल दी, इसको कन्फर्म कर लेते हैं। जैसे हमने कन्फर्म कर लिया, यहाँ पे पहला स्पिन हमारा आने वाला है 9 डायमंड का, तो गाइस बताओ जल्दी 9 डायमंड में ये निकलेगी नहीं निकलेगी। चलो काम करते हैं, सबसे पहले 9 डायमंड में निकालते हैं इसे। चलो स्टार्ट करते हैं, ये पहला स्पिन, इसको हमने डू नॉट रिमाइंडर कर दिया, और ये चले हम पहले स्पिन की तरफ, पहले स्पिन निकल जाए तो काम ही तमाम। अरे यार नहीं, 19 का स्पिन, 19 का स्पिन, ये 19 का स्पिन में, वाह वाह क्या बात है सर, क्या बात, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, वाह ये बड़ी लूट क्रेड मिल गया यहाँ पे। अब 99 का स्पिन चल रहा है यहाँ पे, मिल जाए यार, चलो टोकन मिल गया 99 का, 149 का स्पिन इसके आगे आने वाला है, ये हमें कार मिल चुकी है। आप 149 के स्पिन में मिलेगा नहीं मिलेगा, डन गाइस, ये तो जहर है, मतलब आपको पूरे पूरे डायमंड पूरे यूज करने पड़ेंगे, उसके बाद में निकलने वाला है। तो ये हमारा एनिमेशन निकल चुका है, आप देख सकते हो गाइस, ब्यूटीफुल भाई जहर। चलो बढ़िया, अब चलते हैं अगले तरफ, हम इसको काम करते हैं, इसको यहाँ से हम ओके कर देते हैं। अब चलते हैं स्पिन की तरफ, और ये हमारा स्पेसशिप भी आ चुका है भाई, कतई जहर। आप देख रहे हो बीच में जो एक अलग ही टेक्नोलॉजी है, एक क्यूब दिए राउंड, उसके ऊपर ये पूरी इसकी पावर है, और पीछे से काफ़ी अच्छा फ्लेम निकल रहा है पिंक कलर का, तो कतई जहर, काफ़ी मज़ा आने वाला है गाइज इस पर राइड करके। हमें भाई हैंडल भी दिए इसके अंदर, मतलब यू हैव टू टर्न राइट लेफ्ट के लिए टर्न भी दिए, उसके लिए हैंडल भी दिए, मतलब बाकायदा आपको हैंडल ग्रिप दी गई है, तो ग्रिप से आप राइट करो लेफ्ट करो तो कर सकते हो, तो काफ़ी मज़ा है। अल्ट्रा स्पेसशिप बढ़िया यार, चलो सामने आके काफ़ी अच्छा पॉइंट है, शायद यहाँ पे इसमें फायरिंग वाला कुछ दिया होता तो काफ़ी मज़ा आता, क्या सोच है रे तेरी, तो मज़ा आता था, मानना पड़ेगा। तो गाइज यहाँ पे अपना निकल चुका है यहाँ पे, अब चलते हैं हम यहाँ पे अपने दूसरे वेपन रॉयल की तरफ। वेपन रॉयल में हमारे पास ऑलमोस्ट टोकन है 23, ठीक है, तो 23 टोकन से शुरू कर 10 लाख रॉयल यहाँ पे है हमारे पास, डायमंड से 2000, तो देखते हैं हमारी ये गन निकलती है निकलती है। तो गाइस सबसे पहले शुरू करते हैं हमें 10+1 वाला स्पिन में, चलो ऐसा कभी नहीं होगा भैया कि हमने एक ही बारी कर दिया और एक ही बारी में मिल जाए, गरीना हमें लूट के तो रहेगी रहेगी। ये क्या नहीं, हो रहा है? नहीं 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 ठाकुर साहब, जनता माफ नहीं करेगी। तो गाइस यहाँ पे 400 डायमंड का स्पिन करना है हमें, चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे 3 डायमंड है, 3 डायमंड में देखते हैं, अगर मिल गई तो मिल गई, 3 वाउचर्स है, ग्रोजा ऑलरेडी है हमारे पास, और ये तीसरा नहीं, तो यहाँ पे हमें बिल्कुल मिला नहीं है। अब 35 लक्स हो चुके हैं हमारे, लगभग ये 100 लक्स पे देती है, तो चलो ट्राई करते हैं अभी यहाँ पे हम, हमें कितने मिलते हैं यहाँ पे, 400 डायमंड हम यूज़ करेंगे, और चलते हैं यहाँ पे हम पहले ही रुक जा यहाँ पे वेस्ट हो चुके, फिर से एक बार 11 स्पिन के लिए। अब चलते हैं यहाँ पे नहीं दिया, आप क्या करें, चलो फिर से 57 टाइम लक्स हो चुका है अपना, अब चलते फिर से एक बार 10+11 पे,
चीटिंग करता है तू दिया। डेफिनेटली वो 100 तो पूरा ही करेगी भाई, मुझे डाउट है, और हमारे इतने डायमंड में नहीं निकलेगी, इतने अच्छे लक हमारे नहीं है। मेरे साथ अन्याय हुआ है, कहा था मैंने। अब हमारे पास बचे सिर्फ 600 डायमंड। 2000 years later। तो चलो करते हैं यहाँ पे एक अगला स्पिन। ये गए हम स्पिन की तरफ भाई साहब, लास्ट वाले 10+1 वाले स्पिन में यहाँ पे मिल चुकी है गाइस। आप देख सकते हो यहाँ पे कतई जहर रिवर डस्ट प्लास्टर, हम ये कम यूज करते हैं बट काफी मैंने बीच में एक बार यूज कर ली थी, काफी कतई जहर, मतलब स्किन निकल चुकी है। इसको ओके कर लेते हैं यहाँ पे, बढ़िया बढ़िया यहाँ पे अपनी निकल चुकी है गाइस, आप देख सकते हो। चलो तो यहाँ पे अपनी बच्चे सिर्फ 200 डायमंड यहाँ बच्चे, तो हम कहीं खर्च कर सकते हैं हमारे डायमंड तो नहीं, यहाँ पे कुछ दो है तो हम इसको यूज कर लेते हैं, शायद हमें कुछ मिल जाए इस पे। चलो 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 बढ़िया बढ़िया, चलो ये हो गया यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे हम क्या यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने तो निकाल चुके हैं यहाँ पे ऑलरेडी, सारा हमने यहाँ पे निकाल चुका है। जैसे मैं आपको कलेक्शन दिखाता हूँ यहाँ पे, कलेक्शन में हमारे पास क्या है अदर में देखते हैं। हमने यहाँ पे भैया हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं, 27 टोकन से यहाँ पे चलते हैं। हमारे पास ऑलमोस्ट 19 बंडल्स है, लास्ट हमने कुछ बंडल्स खोले थे, आज हमने फिर से यहाँ पर मैं बंडल्स अपने जमा करने वाला हूँ, ऑलमोस्ट 50 या तो फिर 100 बंडल्स हम जमा करेंगे एक साथ खोलेंगे आप लोग के लिए। तो सारा कलेक्शन आप देख सकते हो गाइज यहाँ पे, जो रिसेंटली आया था वो वाला बंडल भी है, उसके बाद ये जो न्यूज़ में देखा हमने जो दो बंडल आए थे दोनों बंडल हम निकाल लिए, फिर उसके बाद एक ये वाला बंडल भी आ चुका है हमारे पास। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। श्री एक्साइल बंडल व्हाइट वाला मैंने निकाल दिया, रेड वाला मुझे इतना पसंद नहीं है, व्हाइट वाला काफी तगड़ा अच्छा स्मार्ट लुक दे रहा है, ठीक है सबको यही निकालना चाहिए, व्हाइट वाला सस्ता भी और अच्छा भी है। इसके बाद हमने ये भी निकाल लिया भाई साइरॉइड सुपर निकाल के बात कर रहे बाबा, और एक ये साइबर स्वॉर्ड, ठीक है ये निकाल लिया हमने, इसका फीमेल वर्जन भी निकाल लिया हमने, ठीक है नियॉन वाला ओके। और इसके बाद ये बर्गर वाला भी निकाल दिए, इसके बाद ये निकाल दिया हमने कैप्टन बडीज बंडल भी निकाल चुके हम यहाँ पे, और ट्रेंडी ड्राइवर बंडल भी निकाल चुके हैं। एक हमने ये मैजिक क्यूब से ये बंडल लिया था, एक ये फ्री वाला जो टोकन पे येलो टोकन पे मिलता है वो वाला बंडल है, और ये मैड साइंटिस्ट वाला बंडल भी हमने निकाल लिया, ये रेनकोट वाला बंडल भी है, रेन डॉल बंडल, ठीक है ये है बर्गर वाला बंडल, सॉसेजेस सॉस लगे हुए, फ्रेंच फ्राइज लगे हुए गाइस, किसी को खाना है तो घुटनों पे झुकना पड़ेगा और वो भी डालने पड़ेगा, समझ रहे हो आप, मजाक है क्या। बाद अपने पास दूसरा वाला बंडल है क्रेन सामोनर बंडल, बढ़िया है ये भी हमने बंडल निकाल दिए है, ये है एडवेंचर डाउन बंडल, ये वाला है सी ड्रैगन बंडल पता ही जहर, तो ये वाले बंडल्स भी हमारे पास है। साथ साथ में यहाँ पे हम अपने कैरेट्स खोल के देखते हैं क्या होता है, क्या मिलता है कुछ अच्छा अपने को, परमानेंट गन मिलती है कि नहीं मिलती है। देखा धीरे धीरे सिंह निकलने शुरू हो गए, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, परमानेंट गन मिलना तो बहुत मुश्किल है, बहुत रेयर केस में मिलती है यहाँ पे, बट जिनकी आईडी थोड़ी लोअर वाली होती है उनको तुरंत मिल जाती है। हालांकि आप देख सकते हो कि मैंने हमेशा फटे पैसे के फटे डायमंड यूज कर लिए मैंने, पैसे तो क्या चीज है, हाथ की महल है ये, पैसे वाला है, जैसे नाम है इसका वन साइड रिच बॉय, वैसे यहाँ पे एक गन मिल चुकी है हमें, बढ़िया चलो, मतलब बिना मांगे दे दिया, ऐसा हिसाब किताब हो गया भाई। चलो ठीक है इसको सारे क्रेट हमने ओपन कर दिए यहाँ पे, यहाँ पर भी ये सारा ओन है बचा यहाँ पे, ये इवो गन के क्रेट, अब देखते हैं यहाँ पे ओपन करने में क्या मिलता है, इसको ओपन करते हैं। 6 टोकन मिल चुके हैं इवो गन के ऑलरेडी हमारे पास, तो यहाँ पे आप देखते हैं मैजिक क्यूब 2 पड़ी है हमारे पास, मैजिक क्यूब से हम ऑलरेडी और भी 2 बंडल ले सकते हैं गाइस, तो कमेंट बॉक्स में डालना है आपको कि कौन सा बंडल मैजिक क्यूब से लेना है, मैं आपको दिखा देता हूँ मैजिक क्यूब से लेने वाले बंडल कौन से हैं। रिडीम में चलते हैं यहाँ पे मैजिक क्यूब में, एक ये वाला ब्लू वाला बंडल है, एक ये रैंगलर ये है, ये आ चुका है नया, एक ये है, एक ये वाला है, एक ये है, ये भी चेंज है, ये भी चेंज है, और एक ये है, ये तो हमारे पास ऑन है, ये भी ऑन है। अब चलते हैं हम यहाँ पर, यहाँ से ये वाला एक बंडल ले लेते, क्या काफ़ी अच्छा बंडल है, ले लेते क्या करते हैं, ले लेते नहीं, ये वाला ठीक ठाक है, मतलब ओके लोगों ने लिया हुआ है, ठीक है हम ये वाला लेते हैं, इसको एक्सचेंज कर लेते हैं,
बढ़िया। तो अब बची हमारे पास एक मैजिक क्यूब। एक मैजिक क्यूब से कौन सा बंडल लेना है? क्या मुझे तो ये बंडल पसंद है, क्या ये बंडल लूँ मैं? क्या ये बंडल नहीं, ये बंडल 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 है। ये बंडल आ चुका था बट ये बंडल अभी हमें नहीं चाहिए। कैप्टन पनिशर ठीक है, और ब्लडी क्या ब्लडी मिस्ट्रेस। भाई साहब देख रहे हो आप, कतई जहर खतरनाक, इसका लुक देख रहे हो आप भाई साहब, कतई जहर। तो गाइज आप मुझे बताना है कि वीडियो कैसा लगा, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और सारे दोस्तों के साथ शेयर करना है। फटाफट शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो कि अब बची हुई एक क्यूब से हमें कौन सा वाला बंडल निकालना है। तो तब तक के लिए लव यू गाइज।